हेलो एवरीवन, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, वन बार सब्स्टिट्यूशन। यानी वन बार सब्स्टिट्यूशन का ये सिक्स्थ पार्ट होगा, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं या मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, वो मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके एग्जाम्स के हिसाब से बेहतर है और आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, सिक्स पार्ट में बहुत सारे वर्ड्स हैं, बट मैं उन्हीं वर्ड्स को कवर करूंगा जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के हिसाब से और कई बार वो रिपीटेड पूछे गए हैं। वैसे अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो आप देख लीजिए, मोस्टली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एसएससी में वो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। यानी जो लास्ट ईयर या दो तीन साल पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी से रिलेटेड उसी तरह से क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और इंग्लिश में कुछ जो सिलेक्टेड वर्ड हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो सिक्स पार्ट होगा ये, इसमें पीपल्स रिलेटेड होगा, एनिमल्स रिलेटेड होगा, बर्ड्स रिलेटेड होगा, थिंग्स रिलेटेड होगा, इस तरह से इसमें इस टॉपिक इस सेक्शन में आप पाएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, यानी सिक्स पार्ट में। सबसे पहला वर्ड जो है वो एजेंडा। एजेंडा किसे कहा जाता है? एजेंडा एक ऐसा वर्ड है जो एक बिजनेस रिलेटेड है, यानी बिजनेस की मीटिंग जहाँ पे होती है, यानी कई सारी बिजनेस मिल के एक जो मीटिंग करते हैं उसे एजेंडा कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड जो है वो एंथोलॉजी। एंथोलॉजी किसे कहते हैं? एंथोलॉजी उसे कहते हैं एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स, यानी जहाँ पे पोएम्स या कविता का कलेक्शन होता है बहुत सारा, उसे एंथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अटेंडेंस। आपने ये वर्ड मोस्टली सुना होगा, ज़्यादातर ये ऑफिस में यूज किया जाता है कि अटेंडेंस वर्ड क्या है, इसको मैं डिटेल में बताता हूँ। अटेंडेंस वर्ड वो है जहाँ नंबर ऑफ सर्वेंट्स पर्सन जो ऑफिस में हेल्प करते हैं, यानी ऑफिस जो वर्क होता है उनमें हेल्प करते हैं, उन्हें कहा जाता है अटेंडेंस। यानी जो पर्सन प्रेजेंट या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, सारी डिटेल्स रखते हैं, ऑफिस वर्क रिलेटेड जो भी कागजात होते हैं, इस तरह से मल्टीटास्किंग होते हैं, जैसे कई सारा काम कर लेते हैं वो लोग, उन्हें कहा जाता है अटेंडेंस। ऑडियंस, नेक्स्ट वर्ड इज ऑडियंस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑडियंस किसे कहते हैं? ऑडियंस वहाँ कहा जाता है द नंबर ऑफ पीपल गैदर टू लिसन समथिंग, लाइक लिसन म्यूजिक, लाइक लिसन प्रोग्राम। जैसे कोई एक लाइव प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं उस चीज़ को सुनने के लिए, उस प्रोग्राम को देखने के लिए, तो उन वहाँ पे जो गैदर लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, उन्हें ऑडियंस कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इसके बाद आता है बैंड। बैंड किसे कहते हैं? ये जो ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन या फॉलोअर्स, यानी कि जब कोई शादी होती है आपने अक्सर देखा होगा, या कोई प्रोग्राम होता है जो बैंड ऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी कोई शादी या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो वहाँ तो बैंड वाले जो आते हैं, तो कलेक्शन या आपके ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, बजाने वाले, प्ले करने वाले, ड्रम होते हैं उनका, पियानो, बहुत सारे उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो उन्हें बैंड कहा जाता है। आपने बेल वर्ड सुना होगा, BALE, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेल वर्ड उसे कहा जाता है द लार्ज क्वान्टिटी ऑफ कॉटन टाइड इन द बंडल, यानी कोई बंडल अगर बना हुआ है कॉटन का और रोल्ड हुआ है सर्कल में, तो उसे बेल कहा जाता है। यानी कि लार्ज क्वांटिटी होती है, जहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी होती है, वहाँ पे उसे उस क्वांटिटी को ही आप, उस सर्कल क्वांटिटी को ही आप बेल कह सकते हैं। ब्लॉक किसे कहते हैं? BLOCK, ब्लॉक, अ ग्रुप ऑफ हाउसेस और बिल्डिंग बाउंडेड बाई फोर साइड्स, जहाँ पे कोई घर या कोई बिल्डिंग जो बाउंडेड होती है बाई फोर साइड, चारों तरफ से रोड से घिरा हुआ हो या आने जाने का रास्ता हो, तो वहाँ पे ब्लॉक है। जब बहुत सारे हाउसेस हों, बहुत सारे बिल्डिंग्स हों, वो सारे डिवाइडेड हों इस तरह से, और फोर साइड से वो उसमें रास्ते हों, तो उसे ब्लॉक कहते हैं। बुके, बुके किसे कहते हैं? आप जानते हैं बंच ऑफ फ्लावर्स, कोई पार्टी में, किसी शादी में, कोई रिसेप्शन में जो बुके दिया जाता है गिफ्ट के तौर पे, उसे, उसमें क्या होता है, वो बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ फ्लावर्स को बुके कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कैटलॉग। कैटलॉग किसे कहते हैं? अ लिस्ट ऑफ बुक्स, यानी बुक्स की लिस्ट को ही कैटलॉग कहा जाता है। सर्कल, सर्कल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सर्कल किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, यानी आपके फ्रेंड्स या मित्र आपके, इनका जो ग्रुप होता है उसे सर्कल कहते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं इस सर्कल में हमें बहुत सारे लोग जानते हैं, मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, तो उनके फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा होता है, तो इस तरह से सर्कल कहते हैं उनको।
कोर्स किसे कहा जाता है? CORSE, कोर्स। अ सीरीज ऑफ लेक्चर और लेसन्स, यानी कोई सीरीज जो लेक्चर दिया जाता है या कोई लेसन होता है उसको ही कोर्स कहते हैं। कि आपका कोर्स क्या है, तो उसमें क्या होता है कि आपका लेक्चर या लेसन उसमें जो इंक्लूड होता है उसे कोर्स कहा जाता है। गैलेक्सी किसे कहते हैं? गैलेक्सी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गैलेक्सी उसे कहते हैं सिस्टम ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स या ब्यूटीज, यानी बहुत सारे उसमें स्टार्स या आप कह सकते हैं सितारे जो होते हैं आकाश में, गैलेक्सी जो कहते हैं, तो सिस्टम ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स को गैलेक्सी कहते हैं। गैलरी किसे कहते हैं? द रूम दैट कंटेन द पिक्चर एंड स्टडीज डिस्प्लेड फॉर सेल, गैलरी उसे कहते हैं जहाँ पे पिक्चर्स और स्टैचूज जो होते हैं यानी मूर्तियाँ जो डिस्प्ले की जाती हैं सेल के लिए, उसे गैलरी कहते हैं। हैमलेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हैमलेट किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ हाउस इन अ विलेज, यानी एक गांव में जो घरों का एक ग्रुप होता है उसे हैमलेट कहा जाता है। हाइव, हाइव आपने मोस्टली सुना होगा। हाइव वर्ड, हाइव वर्ड उसे कहते हैं जहाँ पे मधुमक्खियाँ रहती हैं, यानी मधु का जो छत्ता होता है यानी शहद का छत्ता जो होता है उसे हाइव कहा जाता है। लिटर, लिटर क्या कहता है? डॉग्स एट बर्थ, यानी अ यंग पिग्स एंड डॉग्स एट बर्थ, यानी कि आप एक कुत्ता या पिग ये सुअर होती है इनके जो बच्चे होते हैं छोटे उसे लिटर कहा जाता है। पोल्ट्री का नाम तो आपने सुना ही होगा। पोल्ट्री जिस जो कि चिकन से रिलेटेड है कि जहाँ पे डक्स एंड फॉल्स आर केप्ट, जहाँ पे रखे जाते हैं या इनका जो व्यवसाय लोग करते हैं उन्हें, उस जगह को पोल्ट्री फार्म जैसे कहते हैं। स्ट्रिंग क्या कहते हैं? स्ट्रिंग किसे कहते हैं? अ सीक्वेंस ऑफ सिमिलर आइटम्स, एक सिमिलर आइटम्स के जो सीक्वेंस होता है उसे स्ट्रिंग कहते हैं। सिलेबस आप जानते हैं, सिलेबस किसे कहते हैं? सिलेबस द टॉपिक्स ऑफ स्टडीज को सिलेबस कहा जाता है। सिंडिकेट, आपने सिंडिकेट तो बहुत बार सुना होगा। सिंडिकेट बैंक भी है। अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, यानी कि जो व्यापारियों का ग्रुप होता है उसे सिंडिकेट कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको बताया हूँ सिंडिकेट, आप इसे याद रखिए। ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा गया, दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया SSC में। सिंडिकेट किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स। तो डियर ये जो मैंने आपको बताया 6 पार्ट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसमें मैं जो सिलेक्टेड वर्ड्स है उसे ही कवर किया हूँ। वैसे हैं तो बहुत सारे वर्ड, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के हिसाब से, जो कि बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है वही वर्ड मैंने इसमें कवर किया हो। सबसे खास बात ये है आपके लिए कि ये वीडियो जो मैं बनाया हूँ ये बेसिकली ऑडियो लेवल है, यानी कि आपको इसको स्क्रीन देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे हैंडफ्री लगा के आप आसानी से सुनिए तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, और आपके डेटा के यूजेज बहुत कम होंगे इसमें, इस पर्पज़ से बनाया गया है। और वीडियोज़ को देखने के लिए आपको मोबाइल देखना पड़ेगा, उससे ये होता है कि आपको ये याद करने वाली चीज़ें हैं, ये इसमें कोई प्रैक्टिकल ऐसा मैथमेटिक्स नहीं, इसमें कुछ करना है प्लस माइनस करना है, केवल आपको दिमाग में रखना है, ऑटोमेटिक ये सेंटेंस आपको या ये वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। तो इस पर्पज़ को देखते हुए ही ये वीडियो बनाए जा रहे हैं ताकि आप इसे आसानी से सुन के ही याद कर सकते हैं, इसमें आपको स्क्रीन देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।